हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जून फ्लावर। और आज का वीडियो बहुत ही अलग है मेरे बाकी सारे वीडियोस से जो अब तक मैंने बनाए हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर आप पेंट कैसे कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि ऑर्गेन्जा, क्योंकि एक बहुत ही शीयर, एक बहुत ही पतला फैब्रिक है, उसको पेंट करना बहुत टफ़ है और लोग नहीं या पता नहीं है कि कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और किस तरह से हम उसके ऊपर पेंट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो कलर्स मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ वो हैं फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स। आप फैब्रिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ आप जो ब्रशेस यूज़ करना चाहते हैं वो हैं राउंड ब्रशेस। आप कोई भी ब्रांड, किसी कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें हाथ सेट और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पानी को बहुत ही देर तक अपने अंदर, ब्रश थिक है तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। और लास्ट पानी और एक प्लेट। तो यहाँ पे मैंने अपने दुपट्टे को टाई कर लिया है इस फ्रेम से, और नीचे मैंने ये शीट बिछा रखी है जिससे आपको जब मैं वीडियो बनाऊँ तो क्लियरली दिखाई दे, आपको पैटर्न अच्छे से दिखाई दे। क्योंकि मेरा जो फ्लोर है वो वुडन फ्लोरिंग है तो वो डार्क है थोड़ा सा, तो शायद वीडियो में उतने अच्छे से नहीं दिखाई देता, इसलिए मैंने ये फैब्रिक नीचे शीट बिछाई हुई है। जो हम कलर यूज़ करने जा रहे हैं पेटल्स बनाने के, वो है ब्लू एंड वाइट, और हम इसको मिक्स करके लाइट शेड बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक पीस लिली बनाने जा रही हूँ, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट होने की या बहुत अच्छा आपका हाथ ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे फ्री हैंड कर रही हूँ, आप चाहें तो ट्रेस करके भी कर सकते हैं। इसमें जब आप कर रहे हैं कलर, तो जब ये गीला है उसी टाइम पे आप इससे गाढ़े रंग को आप यूज़ कर सकते हैं और आप उसको मिक्स कर सकते हैं शेडिंग के लिए जैसे देते हैं। अगर वो सूख जाएगा तो उतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं होगी। मैंने ऑलमोस्ट सारी पेटल्स बना दी हैं, अब मैं स्टेम बनाने जा रही हूँ। और स्टेम के लिए हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन। आई विल मिक्स देम, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर हम इनकी स्टेम्स बनाएंगे। Thank you.
जब आपके ये कलर्स और आपके स्टेम बन जाए, आपकी ये पेटल्स बन जाए, उसके बाद आप ये वाइट कलर लेके इसके बीच में हम ये हल्का सा वाइट करेंगे, क्योंकि आपने पीस लिली देखा है तो बीच में इसी तरह से ये थोड़ा सा निकला हुआ होता है जो कि देखने में सुंदर लगता है। वाइट के साथ साथ मैं यहाँ पे सिल्वर फैब्रिक की ही जो ट्यूब होती है, मैं वो 3D ट्यूब्स उसको यूज़ कर रही हूँ। जब आपका सारा काम हो जाए उसके बाद सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटों के बाद आपको उल्टी तरफ से फैब्रिक के पीछे वाली साइड से आपको इसमें प्रेस करनी है, आयरन करना है, उससे जो कलर है वो मज़बूत होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।